गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, सब अच्छे हैं सर। सर चलो अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून अनुज, अनुज आ गए हैं? यस यस सर। ठीक है बेटा, तो सर अमृता भी आ गई है। हाँ अमृता भी आ गई है, पूर्णिमा भी है, राजलक्ष्मी भी है, मीनाक्षी है, नीतू पांडे हैं और सात लोग और हैं, और प्रोफेसर किरण पाल भी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, और जेबा अफरोज, गुड आफ्टरनून। और कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। कितने बजे मीटिंग है आपकी? 5 बजे तक। आवाज आ रही है? आज फ्राइडे है क्या? यस सर। राजलक्ष्मी सर। हाँ तो उसके हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक चीज उसमें रह गई थी, नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स रह गए थे, तो थोड़ा सा सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे बढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे और होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। आज आपका ये फिजियोलॉजी का पोर्शन खत्म होना है, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है हमारा, फोर्थ लेक्चर है, और इसको आज ही फिनिश करना है। तो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, दैट इज सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बॉडी में हमारे बहुत ढेर सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और वो सेंसरी ऑर्गन हमें सेंसेस आउटर वर्ल्ड का पता बताते हैं कि आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी आउटर वर्ल्ड और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक होम्योस्टैटिक कंडीशन बना के हमेशा रखती है। आगे का जो टॉपिक होगा होम्योस्टेसिस, उसको जब डिस्कस करेंगे तो चीजें और थोड़ी क्लियर होंगी। सेंसरी ऑर्गन का काम इतना है कि आउटर वर्ल्ड हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, आउटर वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं उसका रिलेशन आपकी बॉडी से क्या है, किस तरह से अपने बॉडी को हमें बचा के रखना है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रखना है, और कैसे मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले सेंसरी सिस्टम में आपके विजन है, आप जो देखते हैं, हियरिंग जो आप सुनते हैं, टेस्ट जो आप टेस्ट करते हैं, स्मेल जो आप स्मेलिंग की पावर होती है, इक्विलिब्रियम मतलब है आपका एक इक्विलिब्रिक कंडीशन होती है, आप जो है बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, और सोमैटिक सेंसेस और बहुत सारे सेंसेस होते हैं। तो इसमें इस पीपीटी में दिखाया गया है आपको, आईज ये ब्रेन का हिस्सा है, जो भी कुछ आपने परसेप्ट किया वो ब्रेन को भेजा जाता है, ईयर से साउंड, और इंटरनल ईयर से इक्विलिब्रियम दैट इज कॉक्लिया, और ये देखिए टंग से, नोज से, आई से, ये सारी चीजें आपको भेजी जा रही है। सेंसरी सिस्टम दो तरह के सेंसरी सिस्टम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तो जनरल है सोमैटिक सेंसरी सिस्टम और दूसरा है विसरल सेंसरी सिस्टम। जनरल में इम्पल्सेस जो है स्किन से, स्केलेटल मसल्स से, ज्वाइंट से, सेंसेस सेंसरी ऑर्गन्स से वो भेजी जाती हैं ब्रेन को। और जो विसरल सेंसरी ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स मेनली जहां पे आपको पता नहीं चलता है वहां से
मैसेज ट्रैवल किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसरी सिस्टम में स्टिमुलस है, अभी स्टिमुलस की बात करेंगे, कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग उनके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, फिर उनका कंडक्शन कैसे होता है, फिर उनका ट्रांसलेशन कैसे होता है। कहने का मतलब है जो कुछ भी हम स्टिमुलस एनर्जी सोर्स है, जो कुछ हमने फील किया, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो वो हम किसी रिसेप्टर ऑर्गन से करते हैं, दैट इज वो सेंस ऑर्गन होगा, और वो जो है रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई से। रिस्पॉन्स करेगा तो कंडक्शन भी होगा, तो उसका एक पाथवे होगा, दैट इज एफरेंट पाथवे। नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी, जनरेट होगी वो मैसेज ले जाएंगी कहाँ को, सीएनएस को ले जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आएंगी और सीएनएस में ट्रांसफर हो जाएंगी, और उसके बाद उनका ट्रांसलेशन होगा, दैट इज वहां पे प्रोसेसिंग होगी। ये मेन इम्पॉर्टेंट काम है प्रोसेसिंग का। आपने दो टाइप के न्यूरॉन्स पढ़े थे, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे मोटर न्यूरॉन। एक टाइप के न्यूरॉन और हैं इंटर न्यूरॉन जिसको कहते हैं, वो इंटर न्यूरॉन प्रोसेस करते हैं ब्रेन के अंदर कि एक्चुअल में करना क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है और आपको आगे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ये देखिए, इसमें सेंसरी पाथवेज दिखाए गए हैं। स्टिमुलस हैज फिजिकल एनर्जी, रिसीव किया गया सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू एज ए ट्रांसड्यूसर। फिर स्टिमुलस जो है थ्रेशोल्ड होगा, अगर सब मिनिमल है, थ्रेशोल्ड नहीं है, तो स्टिमुलस जो है इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे। न्यूरॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा एक थ्रस होल्ड स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं या एक्टिव होते हैं। अगर थ्रस होल्ड स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया गया तो वो एक्टिव नहीं होंगे। इस तरह से तो स्टिमुलस कैसा होना चाहिए, थ्रस होल्ड होना चाहिए जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दे। फिर उनका इंटीग्रेशन होगा, मेन जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मैंने कल ये जब मैं ब्रेन का पार्टीशन कर रहा था बता रहा था उसके डिफरेंट लोब्स के बारे में, तो कल हमने डिस्कस किया था उसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये यूजुअली सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके नीचे वाला ये जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। वैसे देखा जाए विजुअल कॉर्टेक्स पीछे की तरफ है, विजन का सेंस यहाँ से होगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑडिशन का यहाँ से होगा, और ये टच के, पेन के, प्रेशर के, ये सारे रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं। सेरिबेलम भी है, सेरिबेलम को आप पता है कि ये बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, सेरिबेलम पे। सेरिबेलम जो मस्कुलर एक्टिविटी है, स्केलेटल कंट्रोल है, स्केलेटल मसल्स का जो कंट्रोल है वो डिस्टर्ब कर देती है, मैसेज जाता है यहाँ से, और फिर बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह आपने टंग से देखा ये रिसेप्टर्स कहाँ लेकर जाएगा, मतलब ये सेरिबम के नीचे, दैट इज ये पॉन्स के आसपास, और इक्विलिब्रियम ये देखिए इंटरनल बैलेंस जो है वो उसका कहाँ हो रहा है, इसी एरिया में हो रहा है। ये कौन सा एरिया है, ये एक ब्रोका सेंटर होता है, वहां पे इसका रेगुलेशन किया जाता है। ये देखिए गस्टेटरी कॉर्टेक्स है, गस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड है, ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स है, ऑल्फैक्शन ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है, ऑल्फैक्शन जो भी आप ऑल्फैक्ट करते हो, स्मेल करते हो, वो यहां पे आता है वाया जो है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है, और आईज का जो सेंसेशन है वो यहाँ से आने के बाद फिर सीधे विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ पे जाता है। फिलहाल क्लासिफिकेशन, स्टिमुलाई कितने टाइप के हो सकते हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, थर्मोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स मतलब टच से प्रेशर को, वाइब्रेशन को, स्ट्रेच को और इच को जो है
परसेप्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर आपको पता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, फोटो रिसेप्टर लाइट से करेंगे, और ये कहाँ होंगे, रेटिना में होंगे, रेटिना में रॉड एंड कोन सेल्स होती हैं। उसी तरह कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स के थ्रू जो है परसेप्शन करते हैं, जैसे स्मेल टेस्ट चेंज है। नॉसिसेप्टर्स पेन का है, कॉजिंग स्टिमुलाई। उसी तरह ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ऑस्मोटिक जो एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करता है, सॉल्यूट कितना कंसंट्रेट है कितना नहीं है। बैरोसेप्टर्स प्रेशर को डिटेक्ट करता है। बैरोसेप्टर्स आपके हार्ट में पाए जाते हैं, या हम कहें कि जो एओर्टा होता है, एओर्टा की जो आर्क ऑफ द एओर्टा होता है, वहां पे बैरोसेप्टर्स होते हैं कि ब्लड के प्रेशर को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट खुद से ही उसको मैसेज, ब्रेन को मैसेज भेज के प्रेशर को वो रेगुलेट कर सकता है। लोकेशन के हिसाब से रिसेप्टर्स को डिफाइन किया गया है। अगर एक बाहर की ओर है तो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, अगर अंदर की ओर है तो मतलब विसरल ऑर्गेन्स में है, रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द रिसरल विसरा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स यानी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दैट इज पीएनएस है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैसेज आ रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, और रिसेप्टर्स में जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं और नीचे यहाँ पे इफेक्टर्स लिखे गए हैं। इफेक्टर्स मतलब जहाँ पे उनका असर दिखता है या जहाँ पे वो एक्चुअल परफॉर्म किया जाता है, जिसे विसरल इफेक्टर, स्केलेटल इफेक्टर्स यानी कौन से होंगे, वो मसल्स हो सकता है, और फिर रिसेप्टर्स जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। ये देखो मैसेज को इंटर न्यूरॉन के थ्रू सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको भेज दिया गया। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, इसमें जो है न्यूरॉन को दिखाया गया है। अब आप देखिए कि वही न्यूरॉन जो आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में, वही न्यूरॉन कैसे जो है सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वो आप पहले उसमें देख सकते हैं, सिंपल रिसेप्टर्स आर न्यूरॉन्स विद फ्री नर्व एंडिंग। न्यूरॉन ही है आपकी बॉडी का, जिसकी सेल बॉडी बीच में है और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है इसका, और इसकी जो फ्री नर्व एंडिंग है वो फ्री नर्व एंडिंग आपके स्किन में रहती है ज्यादातर, और मैसेज को ये रिसीव करती है। एक्चुअल में कहा जाए तो ये डेंड्राइट्स, डेंड्राइटिक पोर्शन होता है। जो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स पढ़े हैं आप, तो वहां जो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन में डेंड्राइट पढ़ते हैं, उसकी साइज तो छोटी आप पिक्चर में देखते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वो डेंड्राइट इसका बड़ा हो गया है और उसकी एंडिंग हो गई है, फ्री नर्व एंडिंग हो गई है स्किन के साथ, और फिर वो मैसेज को भेज रहा है। ठीक है, बॉडी की तरफ। अब देखिए स्टिमुलस से, स्टिमुलस इसको रिसीव कर रहा है, या सॉरी नर्व एंडिंग स्टिमुलस को रिसीव कर रही है। इसी तरह से दूसरे टाइप के न्यूरॉन है एनक्लोज नर्व एंडिंग, जिसकी नर्व एंडिंग तो होती है लेकिन उसके साइड साइड में कोई चीज और एक्स्ट्रा होती है, जिससे उसकी अपियरेंस वो एनक्लोज दिखती है। इसका नर्व एंडिंग एनक्लोज हो गया है किसी, और फिर ये देखिए माइलिनेटेड एक्सॉन है, उसकी सेल बॉडी है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल रिसेप्टर्स हैं, ये सिंपल न्यूरल रिसेप्टर्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स हैं। और एक होते मोस्ट स्पेशल सेंस रिसेप्टर्स, जो बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो कौन से हैं आपके, जैसे हेयर सेल्स हैं, ये आप रॉड एंड कोन सेल्स हैं, जिसमें पर्टिकुलर टाइप आप देखो पैटर्न होता है, और वो भी सेंसेस को रिसीव कर सकते हैं रेटिना। तो वो मोस्ट क्या है, सेंस है, स्पेशल है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं।
सोमैटिक सेंसेस क्या होता है कि आपकी जनरल बॉडी जो होती है वो किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकती है। आपकी स्किन जो है आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका आसानी से पता लगा सकती है, जैसे टच से, पेन से, वाइब्रेशन से, प्रेशर से और टेम्परेचर से। आपकी जो उंगली है, सपोज दैट उंगली, उसको देखो तो वो टच का वो फील करती है। अगर पेन हो रहा है तो पेन का भी वो सेंसेशन देगी, वाइब्रेशन हो रहा है तो भी डिटेक्ट करेगी, अगर इस पे प्रेशर डाला गया तो भी डिटेक्ट करेगी, और टेम्परेचर दिया गया तो भी उसको डिटेक्ट करती है। तो इसको बोलते हैं सोमैटिक सेंसेस, सोमैटिक रिसेप्टर्स। अब आप देख सकते हो उसमें डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, जैसे मेसनर कार्पसल्स हैं, फ्री नर्व एंडिंग है, पसीनियन कार्पसल्स हैं, रफनी कार्पसल्स हैं, और रूट हेयर्स हैं। जो हेयर के रूट होते हैं वो भी सेंसेशन करते हैं। अगर जो है आपके हेयर को बाहर से पकड़ के खींचा जाए तो उसका प्रेशर कहाँ जनरेट होगा, उसके रूट में जनरेट होगा, और वहां पे जो उसके नर्व्स होती हैं, जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो रूट्स के पास होती हैं, और सेंसेशन लेकर नर्व्स के थ्रू चली जाती है। इसी तरह पूरी बॉडी में आप देखो, ये स्किन में जो है पसीनियंस कार्पसल्स प्रेशर को रिसीव करते हैं, रफनीज कार्पसल्स, इसी तरह से मर्कल रिसेप्टर्स होते हैं, मीजनर कार्पसल्स होते हैं, और आपको पता है कि इनमें से कुछ टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, कुछ पेन को डिटेक्ट करेगा, कुछ प्रेशर को डिटेक्ट करेगा, एंड सो ऑन। फ्री नर्व एंडिंग्स दिखाई गई है। फ्री नर्व एंडिंग कौन कौन सी हैं? फ्री नर्व एंडिंग में उनका बेसिक, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उनके फंक्शन क्या है और वो कहाँ पाए जाते हैं, इतना है बात कही गई है। अमूमन फ्री नर्व एंडिंग आप देख सकते हैं, जैसे ये हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, जो हेयर के फॉलिकल्स में होते हैं रिसेप्टर्स, और मॉडिफाइड फ्री नर्व एंडिंग मर्कल डिस्क होती है, और अनकंसर्वेटेड होते हैं, जो जिनमें कैप्सूल नहीं होता है, जो बाहर की तरफ ऐसे फ्री नर्व एंडिंग की जैसे दिखा देख सकते हैं। तो ये इनका काम क्या है? इनका काम है, नॉसिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, ये पेन का है, थर्मोरिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, प्रेशर को भी बताते हैं, हीट एंड कोल्ड को भी बताते हैं, पेन को भी बताते हैं, ठीक है। तो इनका काम है, और बॉडी की लोकेशन कहाँ पे, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ये मोस्ट बॉडी टिश्यू में, जैसे टेंसेस्ट इन कनेक्टिव टिश्यू में, लिगामेंट में, टेंडन में, डर्माइट्स में, ज्वाइंट कैप्सूल्स में, इन सब में, एपिडर्मिस में, कॉर्निया में एंड ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं ये, मेसनर कार्पसल्स, रफनीज कार्पसल्स, मेसनर कार्पसल्स, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, जो लाइट है, प्रेशर है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, टच करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स में मिजनर कार्पसल्स, मिजनर कार्पसल्स जो हैं रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग टच, टच के थ्रू वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पसीनियन कार्पसल्स ये अडेप्टिव होते हैं डीप प्रेशर के थ्रू, सेंसिटिव टू डीप प्रेशर, यानी प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह रफनीज कार्पसल्स ये भी प्रेशर को भी करते हैं, है ना, और स्लोली एडेप्टेशन होता है इनका, मतलब स्लोली वर्क करते हैं। प्रोसियोसेप्टर्स जैसे मसल्स के स्पिंडल्स हैं, मसल्स है आपकी, उसकी स्पिंडल्स हैं, और गॉल्जी टेंडन ऑर्गेन्स हैं, जॉइंट्स हैं, इन सब में भी रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्ट्रेच
टाइप के होते हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन में हेल्प करते हैं। वो भी क्या है, एक तरीके से इंसुलेटेड नर्व एंडिंग होती हैं और उनको प्रोप्रियो सेप्टर्स कहते हैं। ये आपको दिखाया गया जो मसल्स के स्पिंडल में और गॉल्जी टेंडन ऑर्गन्स में ये पाए गए। तो स्पेशल सेंसेस में आ गया आपका टेस्ट है, स्मेल है, साइट है, हियरिंग है एंड बैलेंस है, और कन्फाइंड टू द हेड रीजन। ये सारे सेंसेस कहाँ होते हैं, हेड रीजन में होते हैं। इनमें रिसेप्टर्स आर नॉट फ्री एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स बट स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल्स। इनमें कोई फ्री एंडिंग्स नहीं होती, नर्व एंडिंग। ये स्पेशल सेंस ऑर्गेन्स हैं और टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग एंड बैलेंस के लिए होते हैं। क्योंकि फ्री नर्व एंडिंग अगर होगी तो वो सेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेशल सेंसेस है आई का सेंस। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट होगा सेंस ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि आगे टॉपिक के लिए समय नहीं रहेगा। तो मैं दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोगों से थोड़ी चर्चा कर लूं कि आवाज आ रही है हमारी, स्क्रीन तो अब दिख नहीं रही होगी हाँ सर। तो बेटा जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गेन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये हमारा टॉपिक है। एक मिनट आप जरा होल्ड करें। तो न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन और उसका क्लासिफिकेशन, उसके हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले हार्मोन की चर्चा कर ले। हमारे बॉडी में कंट्रोल मैकेनिज्म कहें तो एक नर्वस कंट्रोल होता है और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल होता है। यानी पूरी बॉडी दो ही चीजों से या दो ही टाइप से कंट्रोल हो सकती है, आइदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, या तो उससे रिलेटेड मतलब बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे सिक्रीट होते जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ह्यूज सेंस है इसका, और हार्मोन का जो इम्पैक्ट है पूरे मेटाबॉलिज्म पे भी होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे भी होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा तो आपको नहीं पढ़ना है, आपका मेन जो कंसंट्रेशन होगा वो न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गेन्स पे होगा और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हार्मोन का। तो देखा जाए तो बॉडी में न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में आपने बहुत पहले से पढ़ा है। थोड़ा मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपसे और फिर आगे चर्चा करते हैं पिक्चर्स के साथ। तो ये है एंडोक्राइन सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते हैं, मतलब हार्मोनल कंट्रोल तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। सिक्रीशन की बात करेंगे तो दो तरह के सिक्रीशन होते हैं, एक एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक एग्जोक्राइन सिक्रीशन।
एंडोक्राइन सिक्रीशन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन जो है ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वो उनका सिक्रीशन सीधे ब्लड में मिला दिया जाता है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन, और ब्लड से वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके डिफरेंट डिस्टेंट ऑर्गन में या अपने पर्टिकुलर सेल में जो आपके टारगेट टिश्यू है या टारगेट ऑर्गन है या टारगेट सेल है वहां पे जाते हैं, और सेल के अंदर जाके साइटोप्लाज्म में रह के या न्यूक्लियस में जाके डीएनए से मिलके काम करवाते हैं। क्या काम करवाते हैं? आपके बॉडी के फेवर का काम करवाते हैं, जो आपके बॉडी के फेवर की बात करती है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डक्टलेस ग्लैंड्स, इसको डक्टलेस पी ग्लैंड कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स लोकेटेड विद इन सर्टेन ऑर्गन, एंडोक्राइन सेल्स, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल ग्लैंड्स, ये हैं, ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। कंसंट्रेशन हमारा होगा आज का न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन्स पे, उसके पहले आप थोड़ा सा पढ़ लें। पीनियल ग्लैंड जो कि मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, ये ब्रेन में होती है और इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, और ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है। उसी तरह हाइपोथैलेमस एक तरह से कह लें मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी को कहते हैं, लेकिन इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, और ये भी कोई सिक्रीशंस बनाता है, हॉर्मोन्स को बनाता है, वो हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ये सब वहां सिंथेसाइज होते हैं, स्टोर हो जाते हैं कहाँ? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पिट्यूटरी का एक पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये देखिए जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, गले में है, T3, T4, कैल्सिट्रोनिन सिक्रेट करती है। उसी तरह एड्रिनल ग्लैंड है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स दो हिस्से होते हैं, एक से एपिनेफ्रिन, मेडुला के आउटर हिस्से, मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, ये सारे, और फिर गोनेट्स हैं जिसमें टेस्टिस है एंड ओवरी है। मैंने कल चर्चा करी थी एंड्रोजन्स के बारे में, जिसको टेस्टोस्टेरॉन है और ओवरी में एस्ट्रोजन है। ये उसी तरह पेंक्रियाटिक आइसलेट्स हैं, पेंक्रियास है, पेंक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन निकले, किडनी है, किडनी से मैंने चर्चा करी थी, एरिथ्रोपोएटिन निकला और कैल्सिट्रॉल निकला, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया आपका, इसमें भी बहुत ढेर सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है सेक्रेटिन है और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलीज होते हैं, और हार्ट से हैं एट्रियल नैट्रियोडेटिक पेप्टाइड जो जो है ब्लड प्रेशर को ही रिलीज करता है, मतलब रेगुलेट करता है, और थाइमस है, थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है कुछ समय के बाद, अंडर गो एट्रॉफी ड्यूरिंग अडल्टहुड, खत्म हो जाती है। इसका रिलेशन इम्यूनिटी से है, इम्यून रिस्पॉन्स से, और थायराइड ग्लैंड है जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है और उससे पैराथार्मोन पीटीएच निकलता है। तो इतने सारे ग्लैंड है, ये है एक तरीके से कहा जाए तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना के रखता है, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड है इन द सेंस कि जो है ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कैसे? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी की सेल्स जो होती हैं वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, नर्वस सिस्टम को भेजती हैं, और नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं, इम्यून सिस्टम को भेजते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वह एक दूसरे को सपोर्ट करता है,
फॉर द पर्पज ऑफ होम्योस्टेसिस। इसी तरह न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, वो जाके नर्वस सिस्टम को हिट करता है और नर्वस सिस्टम से वापस वो खुद हार्मोन्स लेता है। तो एक तरह से इसका भी कनेक्शन है। और एंडोक्राइन सिस्टम सीधे सीधे इम्यून सिस्टम को फ्लैश करता है वाया हार्मोन, स्पेशल टाइप के हार्मोन, दैट इज कार्टिकॉइड हार्मोन्स। ये आपने बहुत पहले से पढ़ा है। हार्मोन्स क्या होते हैं? मैसेंजर हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिलाए जाते हैं, टारगेट सेल पे जाते हैं, वहां जाके अपना काम करते हैं। और काम कौन सा करते हैं? होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस बहुत बार बार ये शब्द आ रहा है। और पूरी फिजियोलॉजी अगर देखा जाए तो जो निचोड़ है पूरी फिजियोलॉजी का, वो एक शब्द में कह सकते हैं, फिजियोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ होम्योस्टेसिस। एक शब्द में फिजियोलॉजी का अगर शब्द बताना है कि फिजियोलॉजी क्यों हो रही है आपकी पूरी फिजियोलॉजी, तो होम्योस्टेसिस के लिए हमारी बॉडी की डिफरेंट फिजियोलॉजी होती है, एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसका हार्मोन्स का फंक्शन है, हार्मोन्स के टाइप। स्टेरॉइड हार्मोन जिनका नेचर जो है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव कंपाउंड के जैसा होता है, मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल जरूर होगा प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा। तब गोनेड्स में सिक्रीट होने वाले जो गोनेडल हार्मोन्स हैं वो भी, और एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एडिनोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स भी, वो सब स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। दूसरे हैं स्मॉल पेप्टाइड, छोटे पेप्टाइड हार्मोन्स, या उसी को पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं, या उसी को प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो साइज में बड़े होंगे, वो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे तो प्रोटीन नेचर के होंगे। और उसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, FSH, LH, ADH, ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे। और थर्ड है और सिंपल है अमीनो एसिड्स एंड एरिकिडोनिक एसिड एनालॉग्स डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं कैटेकोलामाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थायराइड हार्मोन्स। मतलब ये अमीनो एसिड्स के बने मिलकर बने होते हैं। आपने अमीनो एसिड्स के काइंड्स पढ़े होंगे, 20 या 22 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, और उन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनती है। और उन्हीं को प्रोटीन की डिफरेंट जब लंबी चेन हो जाती है, पेप्टाइड्स की जो लंबी चेन हो जाती है पॉलीपेप्टाइड्स, तो एक चेन तैयार होती है पॉलीपेप्टाइड की। फिलहाल यहाँ पे वो अमीनो एसिड कंपाउंड है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है या स्मॉल पेप्टाइड या प्रोटीन कह सकते हैं, और दूसरी तरफ स्टेराइड हार्मोन, हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं, 1 मिनट जरा मुझे समय दें। बच्चों मुझे 1 मिनट का समय चाहिए, मैं आप वापस आता हूं। ओके सर। ओके सर, ओके सर।
हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। हम चर्चा कर रहे थे हार्मोन्स रिसेप्टर्स के बारे में। अभी यस सर। जो हार्मोन जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है हमारी सेल्स को वाया ब्लड, वो या तो सेल के सरफेस पे आके किसी प्रोटीन से जुड़ता है, और यानी हम कहें कि एक्सेप्टर प्रोटीन से जुड़ता है, या तो वो किसी सेकेंड मैसेंजर्स को एक्टिव करता है जो कि उसका फंक्शन आगे की ओर परफॉर्म, या अगर वो सेल सरफेस से नहीं अटैच हो रहा है, स्टेरॉइड नेचर का है, तो वो सीधे सीधे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पे चला आता है, मतलब अंदर चला आता है, साइटोसोल में चला आता है, और आगे चल के वो डीएनए के साथ मिक्सअप होके फिर आगे फंक्शन करता है। तो यहाँ हार्मोन रिसेप्टर्स की बात करी गई है। पहले में पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और कैटाकोलामाइन्स हैं, ये सेकेंड मैसेंजर जनरेट करते हैं, जिसमें एडिनिलेट साइक्लेज, जिसे सीएमपी सिस्टम कहते हैं, आपने सीएएमपी सिस्टम पढ़ा होगा और सीजीएमपी सिस्टम पढ़ा होगा, गोनाडिन साइक्लेज और एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। साइक्लेज क्या है? एंजाइम है, और एडिनिलेट या हम कहें ग्वानिनिल साइक्लेज, एडिनिल साइक्लेज या सीएमपी या सीजीएमपी जो है सिस्टम एंजाइम सिस्टम पे काम करता है। उसी तरह टायरोसिन काइनेज सिस्टम भी है, ये काम करता है। इसी तरह फॉस्फेटाइडिल लाइनोसिटॉल सिस्टम भी है, और एक्टिवेशन ऑफ आयन चैनल्स भी है। यानी ये सारे काम कौन करता है? हार्मोन ही करता है, जो कि सेल की सरफेस से जुड़कर इन सब को एक्टिव करता है, आयन चैनल्स को भी एक्टिव करता है, और आगे का फंक्शन परफॉर्म करता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मैंने बताया ही, थायराइड एंड स्टेरॉइड टाइप के हार्मोन हैं जो कि जीन लेवल पे इनका एक्सप्रेशन होता है। ये है मेन मैकेनिज्म जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेल सरफेस रिसेप्टर, और यहाँ दिख रहा है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो मान लिया ये रेड वाला हार्मोन है, दोनों जगह पे हार्मोन आया, ब्लड से आया, ये सेल है, सेल तक आया, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे जो इनको रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे, भैया आओ, आपका स्वागत है। तो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि इनके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन ऐसे हैं जिनको वो लिपिड नेचर के होते हैं, और वो सीधे डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब हम कहें कि वो सीधे बैरियर क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब प्रोटीन इससे जुड़ता है तो यहाँ पे एक रिएक्शन शुरू होता है। मेनली इसमें जी प्रोटीन आता है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इसमें होते हैं, फिर जाके ये मैसेंजर क्रिएट करता है, दैट इज सेकेंड मैसेंजर, वही जो अभी मैंने इसके पहले चर्चा करी थी, इसकी पहली वाली स्लाइड में, दैट इज सेकेंड मैसेंजर वो जनरेट करता है, और वो एक्टिव करता है, वो न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करेगा और पूरे साइटोप्लाज्म में हम कहें यानी सेल को वो कंट्रोल करेगा। इसी तरह जो स्टेरॉइड टाइप के होते हैं उसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, उनका नेचर है वो किसी कैरियर प्रोटीन के साथ आते हैं, कैरियर प्रोटीन पहले ही बाइंड अप हो जाती है उनसे, और वो लाता है कैरियर प्रोटीन, उसको छोड़ देता है सेल की सरफेस पे, और सेल की सरफेस पे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो अंदर की ओर आ जाते हैं और सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके न्यूक्लियस में, दैट इज डीएनए से मिक्सअप हो जाते हैं, और
फिर वहां पे आगे की प्रक्रिया होती है। स्टेरॉइड रिसेप्टर्स हैं, स्टेरॉइड रिसेप्टर्स यहाँ पे आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और वही आरएनए जो है बाहर निकल के आएगा बाय न्यूक्लियर पोर और यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा तो नई प्रोटीन बनेगी और वो नई प्रोटीन जो है पूरी फिजियोलॉजी को एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे देखें वही जैसे ब्लड वेसल्स है, थायराइड है, स्टेरॉइड है, कैटाकोलामाइंस हैं, जैसे आपने पढ़ा है एमाइंस होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, हार्मोन्स वो सब ही आते हैं साथ साथ। और जिनका जहाँ काम है, जिनके जहाँ रिसेप्टर्स हैं उनसे वो जाके जुड़ते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर से, दो गए तो एक्टिवेशन किया सेकेंड मैसेंजर को, अब सेकेंड मैसेंजर ने दूसरे को एक्टिव किया, अल्टरनेशन इन एंजाइम एक्टिविटी, टारगेट सेल रिस्पॉन्स हो गया। या तो इस तरह से होगा या तो स्टेरॉइड हार्मोन है सीधे सीधे जो है रिसेप्टर प्रोटीन साइटो, देखिए यहाँ पे नहीं दिखाया है, ये जो है जब ये स्टेरॉइड हार्मोन साइटोप्लाज्म में आते हैं तो यहाँ जाके जो है इसका भी एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल इसको रिसेप्ट कर लेता है, बांधता है और उसके तीन डोमेन होते हैं। मतलब कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक तरफ जो है हार्मोन को भी लेगा, उसके बाद वो ट्रेवल करके जाएगा, फिर डीएनए से भी बाइंड होगा, ठीक है, बाइंड करा देगा किसको, स्टेरॉइड हार्मोन को। अब डीएनए से बाइंड हो गया स्टेरॉइड हार्मोन, अब इसने क्या किया, चेंज हुआ जीन एक्टिविटी, सारे जीन पे भी नहीं हो जाता है एक्टिव होता है, सारे जीन से डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जीन पोर्शन होते हैं और वो सबसे अटैच नहीं होता, स्पेशल रीजन से अटैच होता है जो कि उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन, स्टेरॉइड हार्मोन की बाइंडिंग कैपेसिटी के लिए। और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी वाया ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और फिर आगे का कार्य होगा। यहाँ पे देखिए थायराइड हार्मोन सीधे आ रहा है, इसमें किसी के रिसेप्टर की जरूरत नहीं है और वो सीधे बाइंड हो जा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो टॉपिक है न्यूरो एंडोक्राइनसिस है रिलेटेड, तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन हम पिट्यूटरी ग्लैंड का करेंगे, जिसको जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे होती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कंट्रोल हर ग्लैंड के ऊपर होता है, नियर अबाउट हर ग्लैंड के ऊपर होता है, यानी उसके सिक्रीशन को वो घटा बढ़ा सकती है, वो इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और उसके दो मेन रीजन है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये है उसका स्टाल्क ऑफ द पिट्यूटरी या इन्फंडिबुलम इसको बोलते हैं, और ये पार्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से आपको देखने को भी मिल रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज ये वाला दिखाई दे रहा है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस, और इससे देखिए कितने ढेर सारे हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ ग्रोथ हार्मोन्स भी सिक्रीट हो रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस से, फिर प्रोलैक्टिन भी सिक्रीट हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इम्पैक्ट ये हम कहें ओवरी पे है और टेस्टिस पे है, इसी तरह प्रोलैक्टिन का इम्पैक्ट मिल्क सिक्रीशन पे है, फिर ये ग्रोथ हार्मोन का इम्पैक्ट आपको पता है ग्रोथ कराने में बोन्स के साथ है और सो ऑन मसल्स के साथ है, इसी तरह एफएसएच
फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ओवरी पे है, टेस्टिस पे है, स्टोजन सिक्रीशन होगा, स्पर्म जेनेसिस होगी, टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, उसी तरह एसीटीएच है, और इसी में सेल्स पाई जाती हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड क्रोमोफिल सेल्स, जो कि स्पेशल डाई से कलर होती है, और इसमें स्पेशल टाइप का पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइजर पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और इसके बारे में आगे चर्चा होगी। ये देखिए यहाँ पे ये है पार्स नर्वोसा, ये इसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जो कि सीधे सिक्रीशन करी इसने, एडीएच का सिक्रीशन किया और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन किया। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इम्पैक्ट यूटरस पे होगा और मेमरी ग्लैंड पे होगा, एडीएच का इम्पैक्ट किडनी पे होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करने में। ये इसका स्टेम है, या स्टाल्क कह ले या इनफंडिबुलम कह ले, और इसमें जो कनेक्शन है वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जैसे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो ये हम कहें उसके एक्सॉन्स होते हैं, उनका उनकी लोकेशन है ये, इनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं। जो यहाँ पे देखिए ये एडीएच को बना रही है एंड ऑक्सीटोसिन को बना रही है, मतलब एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो स्टोर कहाँ होते हैं, वो इस एरिया में होते हैं वाया स्पेशल न्यूरॉन्स। आगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये एड्रिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, नटकेस पाउच, ये एक्टोडर्म से ओरिजिन है इसका, और रैटकेस पाउस से ओरिजिन है, और इसके पार्ट में हम देख लें तो पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबुलरिस इसके पार्ट होते हैं। ये देखिए पिट्यूटरी कैसे ओरिजिन हुई, कैसे बनी, या हम कहें कि पोस्टीरियर और इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कैसे बना, तो ये देखिए ये न्यूरो एक्टोडर्म है, और न्यूरो एक्टोडर्म का ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो उसका एनलार्ज फॉर्म है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये रातकेज पाउच है, एक ब्लू एंड रेड कलर से है। जो ओरोफेरिंग्स एक्टोडर्म्स होते हैं वो ऊपर की ओर बल्ज होते हैं, और न्यूरो एक्टोडर्म जो होती हैं वो नीचे की तरफ बल्ज होती हैं और स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इनके बीच में थोड़ा गैप है, वो बल्जिंग एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होती है, और उसी में जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, या हम कहें रिलेशन स्थापित करते हैं, और एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर या हम कहें सेरिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, या हम कहें जब जेस्टेशन पीरियड होता है, जब फॉर्मेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का या ब्रेन से, तो इस तरह से वो डेवलपमेंट होता है, और फिर नीचे बोन आ जाती है जो स्फेनाइड बोन है, बाद में उसी को सेला टर्सिका बोलते हैं, सेला टर्सिका के डिप्रेशन में उसको रख लिया जाता है, पोस्टीरियर लोब हो गया, एंटीरियर लोब हो गया, मिला के पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब यहाँ पे देखिए वही न्यूरॉन्स हैं, ये देखिए जो न्यूरॉन्स सिक्रीशन लाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पास नर्वोसा में रखते हैं। पास्ट स्टाइलिस, क्रोमोफिल सेल्स जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, एसिडोफिल्स, एक्टोट्रॉफ्स, बेसोफिल्स, प्रोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ्स, इन सब पे ज्यादा चर्चा न करके हम सीधे न्यूरो हाइपोफाइसिस पे आएंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि जो आपका टॉपिक कवर जो करना है
दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गेन्स में आपका पहला जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस आता है। न्यूरो एंडोक्राइन में आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस भी आता है और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस भी आता है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह बनती है डाउन ग्रोथ जब होता है इनफंडिबुलम का, जैसे न्यूरो एक्टोडर्म का, जब डाउन ग्रोथ होता है ऑफ द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और इसके डिवीजन को देख लें तो इसका एक इनफंडिबुलम है जो स्टाल्प कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसको मेन बॉडी भी कहते हैं, हाइपोथैलमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। दैट इज हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिस को जो ट्रैक्ट गया है, ट्रैक्ट मतलब एक्सॉन का जो ट्रैक्ट गया है, उसी ट्रैक्ट को हम हाइपोथैलमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट कहते हैं। और इसमें अनमाइलिनेटेड एग्जॉन्स होते हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती है, और वो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं। सिक्रीटरी का मतलब सेक्रीशन करती हैं, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स या हम कहें न्यूरो केमिकल्स के जैसे, ब्रेन से सिक्रीशन हो रहा है कुल मिला के, ये समझ लीजिए न्यूरॉन से जो सिक्रीशन हो, दैट इज न्यूरो सिक्रीशन। और उनकी सेल बॉडी कहाँ होती है? सुप्रा ऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती है, जो कि हाइपोथैलेमस में होती है। उसकी सेल बॉडी वहां होगी और उसके एग्जॉन बीच में होंगे और एंड पार्ट पे उसका सिक्रीशन होगा, यानी वो लेकर आएगी और पाउच में करके छोड़ देगी कहाँ, जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस में। देखिए, पास नर्वोसा कंटेन्स द डेस्टल एंड ऑफ हाइपोथैलमो हाइपोफाइजियल एग्जॉन्स, थ्री साइजेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स। मतलब जो न्यूरो सिक्रीशन हो रहा है वह वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। वेसिकल्स मतलब एक कंटेनर के फॉर्म में होता है, यानी उसमें वेसाइकल्स होते हैं या हम पाउच कह लें, और उस पाउच में उसका सिक्रीशन कर दिया जाता है, जिसको न्यूरो सिक्रीटरी वेसिकल्स बोलते हैं। और जिसमें है हेरिंग्स बॉडी, आपने नाम सुना होगा हेरिंग्स बॉडी, और इससे सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन का होता है, एडीएच का होता है, एटीपी एंड न्यूरोफाइसिन का होता है। दूसरे तरह के हैं वेसिकल्स जो एसिटिल कोलीन है, और कुछ दूसरे टाइप के और भी वेसिकल्स होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रिलीज करते हैं। ये सेल्स दिखाई गई हैं, न्यूरो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं, पिट्यूसाइट्स हैं जो पार्स नर्वोसा का 25% है, वो पिट्यूसाइट सेल्स होती हैं। ये ग्लियल सेल्स होती हैं, सपोर्ट करती हैं एक्सॉन्स को। इसके पास बहुत साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, और पिगमेंट भी होते हैं। हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, कौन कौन से हार्मोन्स हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के, ये इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से इसमें आपके प्रॉपर पार्स नर्वोसा के हार्मोन्स आ जाएंगे और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स आ जाएंगे। पार्स नर्वोसा ऑस्टीरियो पिट्यूटरी, इससे वैसोप्रेसिन निकलता है, इसी को एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, कॉमनली नोन एज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इनका काम है वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देना, किडनी में से ज्यादा पानी बाहर को ना निकले, और प्रमोट करती है वैस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ऑक्सीटोसिन का काम है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन कराती है, लेकिन काहे का, स्मूथ मसल का। कौन सी स्मूथ मसल? जो यूटरस में है, और मायोपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराती है।
हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और वही जो मैंने सर बताया। हेलो हाँ कुछ कह रहे हो आप लोग? जी सर, सर मैं कह रही हूँ कि सर पास नर्वोजा कहाँ पर होता है सर, कहाँ पर प्रेजेंट होता है सर बेटा रुको दिखा रहे हैं आपको। जी। ये आपको दिखाई दिया? जी सर, यस सर, देख लिया सर, परपेंडिकुलर ये क्या है? के पास में सर, और सर मिडिल में क्या है? वो सर नहीं, मिडिल में, मिडिल में, ये मिडिल में जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है। पास इंटरमीडिया हाँ, और ये क्या सर, है? मैं सर हाइपोथैलेमस नहीं, ये जहां मेरा कर्सर है, दिस इज द पास पास डिस्टेलिस सॉरी पास डिस्टेलिस, और ये एक्चुअल में इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। समझ में आई बात? और सर, ये क्या पास है? डिस्टेलिस नहीं, यस सर इसमें और भी हैं, और भी हिस्से हैं। देखो बेटा, अभी मैं दिखाता हूं, रुको। एक यस मिनट, सर यस सर ओके थैंक देखो, जो एडिनो यू सर। हाइपोफाइसिस है, या इसी को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, पास डिस्टेलिस है, पास इंटरमीडिया है, एंड पास ट्यूबुलरिस है। समझ में आ गया बात? आगे बढ़े। यस सर कहने का मतलब है कि वो वही न्यूरो सिक्रेटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस है, और उसी को ही न्यूरो हाइपोफाइसिस ही कह दो, या उसी को क्या कह दो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह दो, या उसी को क्या कह दो, पार्स नर्वोसा कह दो। बात क्या है? एक ही है। इट डिवाइडेड इनटू इनफंडिबुलम, यानी वो इनफंडिबुलम में भी होती है, और उसके साथ हाइपोथैलेमस अटैच होता है, और पार्स ओके नर्वोसा होती है जो उसकी मेन बॉडी होती है, जिसी को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये बात आई, हाइपोथैलेमस में कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि सिक्रेट किए जाते हैं। थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन TRH काम क्या करता है? स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन एंड प्रोलैक्टिन। इसी तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीज पास हार्मोन है, GnRH कहा जाता है। GnRH का मतलब कि गोनेड से रिलेटेड जो ट्रोपिन हार्मोन्स हैं वो रिलीज करता है, और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी में, या हम कहें एंटीरियर पिट्यूटरी से। सोमैटोस्टैटिन है। स्टैटिन शब्द जहां भी आए तो उसका अर्थ लगा लेना चाहिए इनहिबिशन से। इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ बोथ ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन को, के सिक्रीशन को बंद कर देता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट करता है।
किसे? ग्रोथ हार्मोन को। उसी तरह प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, इनहिबिट करता है, उसी तरह कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये सब सिक्रीशन किसके हुए? हाइपोथैलेमस के हुए। फिर बात आती है वेस्कुलराइजेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्लड की सप्लाई कैसे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पोर्टल सिस्टम भी आपको पढ़ना होगा, जो इसमें एट्रियल सप्लाई होती है, दो पार्ट्स में होती है, या दो पेयर हम कहें, दो पेयर आर्टरी जो होती है सप्लाई करती है, एक सुपीरियर होती है दूसरी इंफीरियर होती है। सुपीरियर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट। इसी तरह इंफीरियर भी डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट। हाइपोफाइजियल सिस्टम को एक सप्लाई करती है और दूसरी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड वाली ये पेयर ब्लड लेकर आ रही है यहाँ पे। यहाँ देखो हाइपोथैलेमस को भी सप्लाई हो रही है ब्लड से, ब्लड की, और नीचे पिट्यूटरी को भी सप्लाई हो रही है ब्लड से। ठीक है, जो रेड वाला है दैट इज वो आर्टरी है, और ब्लू वाली दैट इज ये वेन्स है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम ये कहता है आपके बॉडी में कई जगह पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। पोर्टल सिस्टम का मतलब है जब ब्लड हमारा किसी ऑर्गेन से लिया जाता है तो वो सीधे हार्ट को जाता है, या हम कहें कि वेन्स के थ्रू सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, और हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन से ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है। पिट्यूटरी में, या हम कहें रीनल एरियाज में, स्पेशल टाइप का पोर्टल सिस्टम होता है जिसमें जो है ब्लड सीधे ऑर्गेन से कलेक्ट ना करके एक दूसरे ऑर्गेन से होकर आता है, मतलब पोर्ट होके आता है। एक ऑर्गेन ने सप्लाई करी किसी दूसरे ऑर्गेन को, फिर वो मतलब एक तरह से कह लें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही उसको मिल रहा है दूसरे ऑर्गन को। ये पहला वाला तो फ्रेश ब्लड ले रहा है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले रहा है, लेकिन स्पेशल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, इसलिए इसको हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पोर्टल सिस्टम तो कई टाइप के हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम है आपका, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, उसी तरह से हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है। द प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कमिंग ऑफ द सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज। प्लेक्सस बन जाते हैं, जाल बन जाते हैं, और उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स की, या हम कहें हार्मोन्स की सप्लाई हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइसिस को होती है। सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस, देखिए प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस और उसके बाद सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस, इसमें ऐसे दिख सकते हैं इसको। ये जो प्लेक्सस दिख रहे हैं दैट इज प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस है, ठीक है, और यहां जो प्लेक्सस दिख रहा है दैट इज सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस है। ठीक है, ये देखिए यहाँ के ये न्यूरॉन्स हैं, सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई हैं, वो मैसेस से सॉरी वो जो है एग्जॉन्स के थ्रू लाकर अपना सिक्रीशन पार्स नर्वोसा में डाल रहे हैं, और इसी तरह जो सिक्रीशन है यहाँ का न्यूरॉन्स ऑफ द डॉर्सल मीडियल वेंट्रल मीडियल एंड इन्फेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, उनसे सीधे सिक्रीशन आ रहा है और यहाँ पे ड्रेन कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक हाइपोफाइजियल मतलब सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी हुई, एक इंफीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी हुई। यहां से देखो ये सुपीरियर हाइपोफाइजल और दूसरा इंफीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी हुई, ये ब्लड को लाते हैं और एक ऑर्गन से फिर वो दूसरे ऑर्गन में सप्लाई होता है, फिर बाद में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है।
रेगुलेशन ऑफ द पार्ट डिस्टेलिस, इन सब में जो सिक्रीशन होगा वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक के ही थ्रू होगा मेरे ख्याल से इतना काफी है। और अभी क्या है कि तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक थोड़ा कवर हुआ, न्यूरोएंडोक्राइन ऑर्गन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो दूसरा टॉपिक मैं चाह रहा हूँ पिक करना वो है होम्योस्टेसिस। शुरू किया जाए। यस सर। अच्छा, बहुत चर्चा हो गई मेरी। मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस कह रहा हूं, करीब 40-50 बार तो होम्योस्टेसिस बोला हूंगा। आपको तो समझ में आ ही गया होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी है होम्योस्टेसिस, लेकिन तब भी इसको थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस है क्या, और इसमें से एक टॉपिक है आपका स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, ये भी मैं कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा होम्योस्टेसिस के बारे में चर्चा करते थोड़ा होल्ड। हेलो, यस सर। यस सर। आपको कुछ दिखाई दे रहा है होम्योस्टेसिस? ठीक, यस सर। यस सर। थ्री कंपोनेंट्स दिखाए गए होम्योस्टेसिस के। पहला है रिसेप्टर, दूसरा है इफेक्टर, लास्ट का है इफेक्टर और बीच का है इंटीग्रेटर। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि स्टेबल कंडीशन में रखना आपकी बॉडी को। स्टेबल कंडीशन यानी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दोनों के बीच में सामंजस्य हो। अगर ये सामंजस्य अच्छा नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बॉडी इल हो जाएगी हमारी। जैसे अगर बाहर बहुत ठंडा है और हमने कपड़े नहीं पहने हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा,
ठंडी लगेगी और हम बीमार हो जाएंगे। कपड़ा जब तक नहीं पहनेंगे तब तक, कपड़ा अगर पहन लिया तो बॉडी वो होम्योस्टेसिस हो जाएगी। ये तो हमने खुद से किया, जान के किया, लेकिन बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है बॉडी में जो कि आपको बताना नहीं पड़ता बॉडी को, वो बॉडी खुद से कर लेती है। दैट इज, उसी को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। क्या करेंगी बॉडी? अगर हम कपड़ा कम पहनेंगे तो पहले तो हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो जो ब्लड की सप्लाई है पेरिफेरल रीजन में, स्किन में या स्किन के पास जो ब्लड की सप्लाई है, उस सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी सरफेस आपकी ठंडी हो चुकी है, और अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई हुई उस एरिया में तो आपका ब्लड भी ठंडा हो जाएगा और आपकी बॉडी तब और डीप जो है हाइपोथर्मिक कंडीशन में चली जाएगी। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बॉडी सरफेस का कम हो जाता है। तो कम होने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना पड़ता है, मसल्स जो होती हैं जो हम कहें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें, और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरह जो है शिवरिंग भी होती है। अगर बहुत ठंड लग रही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मसल्स शिवर करेंगी, और शिवरिंग करने से उनमें रबिंग होगी, रबिंग होने से एनर्जी जनरेट होगी और थर्मल एनर्जी जनरेट होगी और टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए। ये सब आप करते नहीं हो, जो सोचो कि हम करें तो आप जानबूझ के तो नहीं कर सकते। हाँ, वो बॉडी ऑटोमेटिक कर लेती है। ऐसे ही बहुत सारे, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया टेम्परेचर रेगुलेशन का, इसी तरह बहुत सारा जो हम कहें कि फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर के अलावा आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, या हम कहें आपका वाटर लेवल है, या बस वाटर कितना है आपके बॉडी में, या साल्ट का क्या कंसंट्रेशन है बॉडी में, या हम कहें कि यूरिन में जो है यूरिया कितना है आपकी बॉडी में, या हम कहें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का होम्योस्टेसिस कैसे होना है, सोडियम का होम्योस्टेसिस कैसे होना है। सो मेनी टाइप के होम्योस्टेटिक जो है एरियाज हो सकते हैं, तो उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के बीच में एक रिलेशन, और वो रिलेशन होगा होम्योस्टेसिस कंडीशन, स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन द इंटरनल एनवायरनमेंट। थ्री कंपोनेंट है, रिसेप्टर ने कुछ देखा, सुना, महसूस किया, उसने भेजा ब्रेन को मैसेज कि भैया ऐसा हो रहा है। ब्रेन ने कहा रुको हम बताते हैं इसको कैसे मैनेज करना है, तो इफेक्टर मसल्स को भेज दिया। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर एक तेंदुआ आपके सामने आ जाए तो रिसेप्टर्स सेल्स आंखें होंगी, रॉड एंड कॉन सेल्स होंगे जो आईज की रेटिना होंगी, देखेंगी। देखने के बाद आप जो है ब्रेन को जाएगा मैसेज, ब्रेन क्या करेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा, करेगा अरे ये तो बहुत खतरा है, मैसेज भी भेज दिया किसको, इफेक्टर्स को। और इफेक्टर ऑर्गन कौन होगा आपका बताइए? इफेक्टर ऑर्गन कौन सा होगा आपका? इफेक्टर ऑर्गन होगा, मसल्स और ग्लैंड। हाँ, मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स होंगे, डर जाओगे और वो सीधे सीधे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये जितना भी सिस्टम है ना, वो पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक पे काम करता है, कि कोई काम कराना है तो पॉजिटिव, कोई
कोई काम नहीं कराना है तो निगेटिव। बात वही है, पॉजिटिव फीडबैक होगा इन विच आउटपुट को जो है इनहेंस किया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक में किसी चीज को एक्सिलरेट किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। नेगेटिव फीडबैक में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाए गए हैं इसमें। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है कि हाई ब्लड शुगर है आपके ब्लड में, तो पेंक्रियास होगा इंसुलिन सिक्रेट करेगा, इंसुलिन एक तरफ लीवर में दूसरी तरफ टिश्यू में जाएगा और लो कर देगा आपके ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो भी मैसेज पेंक्रियास को जाएगा, ग्लूकागॉन सिक्रेट होगा और ग्लूकागॉन लीवर में जाएगा मैसेज। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी को उल्टा कर लो तो नेगेटिव फीडबैक और एक तरफ बढ़ा लो तो पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक अकाउंट बैलेंस ग्रोज, मोर इंटरेस्ट अर्न पॉजिटिव फीडबैक में। नेगेटिव फीडबैक में जो है बॉडी टेम्परेचर राइज अगर हो रहा है तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। थर्मल बैलेंस, आपके बॉडी में थर्मल बैलेंस, टेम्परेचर को रिसीव किया गया, टेम्परेचर को रिसीव किया गया, रिसीव करने के बाद भेज दिया गया ब्रेन को, ब्रेन ने रीड किया भैया हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो खतरा होगा, सारे एंजाइम खत्म हो जाएंगे, मेटाबॉलिक पाथवे खराब हो जाएगा, और अगर घट गया तो भी खतरा है, तो हमें क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और वो मेंटेन करेगा, और इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। हॉट होगा और कोल्ड होगा मैंने अभी चर्चा करी, हॉट होगा तो वैसोडिलेशन होगा, कोल्ड होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, हॉट होगा तो स्वेटिंग होगी, कोल्ड होगा तो शिवरिंग होगी, हॉट होगा तो पाइलो रिलैक्शन होगा और कोल्ड होगा तो पाइलो इरेक्शन होगा। तो मैंने अभी बताया कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक है वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वाटर बैलेंस करना है, आपकी बॉडी हमेशा वाटर को बैलेंस कर रखने का प्रयास करती है, तो उसमें किडनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है और उसके पास एक हार्मोन होता है उसको एंटीडायबिटिक हार्मोन कहते हैं, वो वाटर लॉस को मेंटेन करती है और डायूरेसिस नहीं होने देती या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होने देती। कंट्रोलिंग वाटर लेवल, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठंडा का मौसम है या टेम्परेचर कम है तो डिहाइड्रेशन कम होगा, आप कम पानी पियोगे, तो वाटर बैलेंस आप देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। साल्ट बैलेंस है उसी तरह से, सोडियम का लेवल लो हो गया, सोडियम लेवल लो है तो जो है सिक्रीशन होगा रेनिन का, एंजियोटेंसिन टेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में एंजियोटेंसिन सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपने पढ़ा है, और फिर एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रिएट होंगे जो कि उसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो सिस्टम मैंने बताए अभी वो क्या है, होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है, अभी मैंने चर्चा करी कि ग्लूकोज बॉडी में आपके बहुत ज़रूरी है जो कि एटीपी जनरेट करता है
और ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोलिसिस कराता है भाई, उसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस हम कहें कि एनर्जी जनरेशन ही नहीं होगा। तो मेन सोर्स है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और इसमें ये देखिए ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज को लेवल करने के लिए देखिए यहाँ पे एंजाइम लिखा हुआ है, ये गलत है, एंजाइम नहीं होगा, दैट इज ये क्या होगा, हार्मोन होगा। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दो जो है हार्मोन्स हैं। एक इंसुलिन जो है सिक्रीट होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, अगर ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा। हाई ग्लूकोज लेवल होने पे इंसुलिन सिक्रीट होता है और ये जो है इंसुलिन आपको पता है पैंक्रियाटिक सेल से सिक्रीट हो रहा है और प्रोइंसुलिन के फॉर्म में सिक्रीट हो रहा है, और ग्लूकोज इंसुलिन जो है ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है और स्टोरेज भी कराता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लो ग्लूकोज लेवल होने पे उसी तरह ग्लूकेगॉन सिक्रीट होगा अल्फा सेल से और ग्लूकेगॉन प्रमोट करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाने में, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो गया, ये हाई ब्लड ग्लूकोज है, ये लो ब्लड ग्लूकोज है, पेंक्रियाज को दोनों को मैसेज गया। अगर ज्यादा है तो इंसुलिन बनाया बीटा सेल्स ने, अगर कम है तो ग्लूकागॉन बनाया, ग्लूकागॉन का असर हुआ लीवर पे, इधर इंसुलिन बनी रही है तो इंसुलिन जो है उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से बीमारी हो जाती है जो कि डायबिटीज मेलिटस होता है और एक तरह से एक सिंड्रोम है ये, डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां एक साथ फ्री में मिल जाती हैं, मतलब जिसको डायबिटीज हो गया वो बहुत सारी बीमारियों को पहले से ही न्योता दे देता है। और अगर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे लोअर फूट में ये हम कहें कि घाव हो जाना, आई साइड्स का वीक हो जाना, किडनी का फेल हो जाना, ब्लड प्रेशर का राइज हो जाना, ब्लड की सप्लाई का रुक जाना, जिसकी वजह से ये ऑर्गेन्स आपके नीले दिखाई देने लगते हैं, तो इसका ये इम्पैक्ट है। तो कुल मिला के होम्योस्टेसिस का मतलब है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि मेंटेन रखना अपनी बॉडी को आउटर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक करके ठीक कर लेना। जैसे टेम्परेचर को हम बैलेंस कर लेते हैं, वाटर एंड साल्ट को बैलेंस कर सकते हैं, उसी तरह ग्लूकोज होम्योस्टेसिस भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उन सबको इकट्ठा डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये रही बात होम्योस्टेसिस की। तो अब टाइम को देखते हुए एक टॉपिक और आपका बच गया, और वो टॉपिक है स्ट्रेस, वो टॉपिक है स्ट्रेस तनाव एंड एडेप्टेशन। तो हम लोग कुछ
तनाव मुक्त हो लें। हाँ आप लोग हैं कि चले गए? नहीं नहीं सर, हम लोग हैं सर। सर हैं। हाँ तो हम चाहते हैं कुछ तनाव मुक्त हो जाएं हम लोग। बिल्कुल हाँ, सर हो जाते हैं। यहाँ पढ़ना तो तनाव है, स्ट्रेस को पढ़ना है, लेकिन उसके पहले तनाव मुक्त होना जरूरी है। तो सब लोग जरा स्क्रीन ऑन करिए। मेरा कैमरा पता नहीं क्यों उल्टा शो होता है। नहीं तो देख, घुमा दिया है आपने उल्टा, इसीलिए। नहीं घुमाया, कुछ भी नहीं है। ये मेरा क्यों नहीं आ रहा? तो हाँ मेरा, आप लोग को देखकर मेरा तनाव कम हुआ। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो बिना तनाव कम की पढ़ाई तो होगी नहीं, क्योंकि लगातार 1.5 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं। आप कम बोल रहे हैं, हम ज्यादा बोल रहे हैं, हमें तनाव ज्यादा हो रहा है। तो थोड़ा तनाव मुक्त होके एक टॉपिक रह गया है, उसके बारे में थोड़ा दिन, 5 दिन, 6 दिन, इवन 10 दिन, 20 दिन, महीना भर उसका इंपैक्ट बना रहे। तो दो टाइप के पर्सन हो सकते हैं, एक ने स्ट्रेस को कम लिया और दूसरे टाइप का पर्सन वो है जिसने स्ट्रेस को ज्यादा लिया। सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने स्ट्रेस को धीरे धीरे कम कर देना। और वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ पर्सन कर सकता है जिसके ऊपर वो स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर हम कहें कि आप डिस्ट्रेस में रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब आप सोच लोगे कि हमें डिस्ट्रेस रहना है, हमें फ्री रहना है, तब आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है? तो स्ट्रेस एंड उसका एडेप्टेशन, इसके लिए थोड़ा सा 10 मिनट की क्लास और होगी, 10-15 मिनट की क्लास। कोई नहीं, और कुछ पीपीटी करके मैं इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर यस सर देख रहे हैं सर आप भी? हाँ, मैं पानी पी रहा था, गला मेरा सूख गया। स्ट्रेस इज द रिएक्शन पीपल हैव टुवर्ड एक्सेसिव प्रेशर। मैंने बात वही कही, बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर में हो जाते हैं, और अदर टाइप ऑफ डिमांड प्लेस अपॉन देम। इट अराइज व्हेन दे वरी दैट दे कांट कोप। मतलब जैसे उन्हें लगता है कि हम वो चीज नहीं कर सकते। दो तरह के जो है सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, आवर बॉडीज फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस टू सर्कमस्टेंसेस और इवेंट दैट फ्राइटन, इरिटेट, कंफ्यूज, एंडेंजर और एक्साइट। ये इतनी अवस्थाएं हो सकती हैं फिजिकल और इमोशनल रिएक्शंस करके। डर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं, तो हम उसको स्ट्रेस की कंडीशन कहते हैं। देखिए सर कितना स्ट्रेस पाले हुए हैं, किसी ने हाथ पैर सर ये दबा लिया है। और स्ट्रेस क्या है? मैंने वही कहा, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। स्ट्रेस कैन बी सेल्फ कंट्रोल, खुद से ही कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रेस प्रिपेयर्स ए पर्सन टू रिएक्ट टू द कॉजिंग इवेंट स्ट्रेसर। तो आप खुद ही उसके जनक हैं और खुद ही उसको ठीक भी कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अगर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, जैसे आप इलनेस हो जाए, सोना ना हो, लैक ऑफ स्लीप हो जाए, पुअर न्यूट्रिशन हो जाए, या कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसमें, आपका एटीट्यूड, बिलीव, आपके थॉट्स। उसी तरह से सोशियो कल्चर स्ट्रेस है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाए, वर्क का हो जाए, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो हीट, कोल्ड, नॉइज, ट्रैफिक, पोल्यूशन, दैट मींस एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से होना चाहिए। लेकिन टॉपिक थोड़ा ब्रॉड है, स्ट्रेस को थोड़ा बताना जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसका उपयोग किया। मेजर कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस, डेली लाइफ हैजल्स, मेजर लाइफ इवेंट्स और इंटरनल स्ट्रेसर। डेली लाइफ में आपको बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, आपको समय से घर से निकलना है, रोड जाम है नहीं जाम है, ट्रैफिक कैसा है, वही टाइम का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, और सिकनेस है, और स्लैक फीलिंग्स कह रहे हैं आप स्लीप की, तो इस वजह से आप भी मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेस में मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, इमोशनल चेंज है आपके अंदर। अगर किसी को पर्सनल क्राइसिस है, कोई हेल्थ इशू है, डेथ इन फैमिली है, तो इस वजह से भी स्ट्रेस आपको मिल सकता है। देखिए इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, दो इफेक्ट हो सकते हैं स्ट्रेस के। अगर आपका स्ट्रेस आपके लिए फ्रूटफुल है तो वो मोटिवेशन देगा आपको, यानी आपके अंदर साहस भरेगा, और अगर नेगेटिव है तो आप डर जाओगे, यानी वो काम नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि स्ट्रेस भी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। स्ट्रेस होना मतलब किसी चीज के लिए पेन लेना भी एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव इफेक्ट शो करे। अप टू सर्टेन रीजन या अप टू सर्टेन लेवल पॉजिटिव इफेक्ट वो पर्सनालिटी पे डालता है, और जिससे आप मोटिवेट होते हो। अगर घर्षण खत्म कर दिया जाए, फ्रिक्शन
आप चल नहीं पाओगे। कहने का मतलब अगर सरफेस बहुत स्मूथ कर दी जाए तो आप धड़ाम से गिर जाओगे। जैसे स्मूथ सरफेस ग्रीस लगा दिया जाए तो आप जल्दी से गिर जाते हो, लेकिन अगर सरफेस रफ है तो आप उस पर आसानी से चल सकते हो। सेम लाइक दैट। ये आपका स्ट्रेस साइकिल है। कोई इवेंट होगा, ट्रिगर पॉइंट होगा, जिससे आप स्ट्रेस में आओगे, आपके बिहेवियर में चेंज होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो एक साइकिल तैयार हो जाती है। आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो तो या तो वो सेल्फ से डिमांड करते हो, डिमांड फ्रॉम अदर्स होता है, या डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड होता है। आपकी एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हो और वो जब कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता तो आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो जाते हो। दैट इज आई शुड बी परफेक्ट, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। डिमांड अगर अदर से करोगे कि उनको परफेक्ट होना चाहिए, उनको सही से बात करनी चाहिए, डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड कि वर्ड शुड बी इन माय फेवर, सभी लोग मेरे फेवर में होने चाहिए। सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस, खुद से हम पैदा कर लेते हैं अपने ही जो है स्ट्रेस को। हम डिस्करेज हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं और लेस एक्साइटेड हो जाते हैं, या हम कहें कि आपका जो नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो भी सरप्रेस हो जाती है, और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस की कंडीशन में हो जाते हो। सेल्फ जनरेटर होती है। ये देखिए सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कौन कौन से सिम्टम हैं? फिजिकल सिम्टम, बिहेवियरल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम में पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगी, कोई भी काम करोगे लेकिन परफॉर्मेंस कम होगी। इंक्रीज सिकनेस, बीमार होने की कंडीशन ज्यादा होगी। कोल्ड एंड स्वेटी पाम, हथेलियां आपकी ठंडी होंगी, पसीना निकलेगा। हेडेक होगा, बैड एक बैक एक होगा, जॉ पेन होगा, हार्ट बर्न और डायरिया होगी। बिहेवियरल में क्या होगा? इंक्रीज यूज ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स, डिफिकल्टीज, रिलेशनशिप आपके सही से नहीं चलेंगे, सोशल कांटेक्ट कम हो जाएगा, पुअर जजमेंट होगा, या जो डिसीजन लोगे सही नहीं होगा आपका, आपकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी और आप परेशान रहने लगोगे। तो स्ट्रेस में जो ये रिस्पॉन्स है, ये सारे उसके ड्रॉबैक्स को हमने दिखाया है। बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, बीमारियां कौन कौन सी हो जाती हैं अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं तो? सबसे पहले हार्ट की बीमारी या कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर इम्यून सिस्टम डिजीज होती है, अस्थमा हो सकता है आपको, डायबिटीज, मेमोरी लॉस, अल्सर, स्किन की दिक्कत आ सकती है, हेडेक, माइग्रेन हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और डिप्रेशन हो सकता है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। गैस इसको बोलते हैं, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। यानी जो आप स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन पढ़ रहे हो ना, उसी का एक पार्ट है ये। गैस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बॉडीज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिएक्शंस टू स्ट्रेस। अगर हम किसी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को शॉर्ट टर्म में सॉल्व करते हैं, या हम कहें स्ट्रेस को हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं या हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो उसके लिए गैस सिस्टम काम करता है। उसके थ्री स्टेजेस होते हैं, और अलार्म रिएक्शन पहला है, और जिसको AR कहते हैं, और स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस जिसको SR कहते हैं, स्टेज ऑफ एग्जॉस्टन, अलार्म रिएक्शन।
अलार्म रिएक्शन वो होता है कि जब आप इमीडिएट कोई रिएक्शन करते हो, स्ट्रेसर कोई इमीडिएट रिएक्शन करता है, जैसे फाइट करना है कि फ्लाइट करना है, किसी भी सिचुएशन से या तो आप लड़ोगे या तो उससे भाग जाओगे, तो दैट इज ये कौन सा है, ए आर है, अलार्म रिएक्शन है। चेंज इन बॉडी, क्या क्या चेंज होगा बॉडी में, कार्डियक या आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी इंक्रीज रेस्पिरेशन हो जाएगा, स्किन आपके जो है डिक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा, हार्मोनल जो है सिक्रीशन ज्यादा होगा, स्टिमुलेशन होगा एड्रिनल्स से, तो आप स्टेज टू स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेज टू माइट आल्सो बी नेम्ड द स्टेज ऑफ एडेप्टेशन स्टेज इंस्टेड ऑफ द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को स्टेज ऑफ एडेप्टेशन कहते हैं। द बॉडी हैज रिएक्टेड टू द स्ट्रेसर एंड एडजस्टेड इन अ वे दैट बिगिंस टू अलाउ द बॉडी टू रिटर्न टू होमोस्टेसिस, मतलब जो भी स्ट्रेस है उससे हम समझौता कर लें या उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट हो जाएं और पुनः होम्योस्टेसिस कंडीशन में आने की कोशिश करें। चेंज इन बॉडी, फटीग हो जाएंगे, कंसंट्रेशन लैप्स हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगी और लेथर्जी फील करेंगे। स्टेज ऑफ एग्जॉशन, इन द एग्जॉशन फेज द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनर्जी यूज्ड टू फाइट स्ट्रेसर हैज बीन डिप्लीटेड, मतलब स्ट्रेस का इंपैक्ट इतना होगा कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देगा आपकी एनर्जी लेवल को। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस वुड प्रोबेबली नॉट डिप्लीट ऑल ऑफ द पर्सन्स एनर्जी, जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का है स्ट्रेस वो आपको एग्जॉस्ट कंडीशन में लाके खड़ा कर सकता है और उसके बाद आपको सीरियस इलनेस हो सकती है। चेंज इन बॉडी, क्रोनिक सैडनेस और डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा, क्रोनिक सैडनेस, क्रोनिक मेंटल एंड फिजिकल फटीग, मानसिक और शारीरिक रूप से फटीग हो जाएगा, क्रोनिक स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, हेडेक, स्टमक और बाउल प्रॉब्लम हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगा वो समाज से, विड्रॉल हो जाएगा उसका, विड्रॉ कर लेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट, खुद को खत्म करने की सोच आने लगी कि हमारा जीवन बेकार। ये जनरल एडेप्टेशन सिस्टम, इसी को गैस कहें, कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस कैसे करता है, एक स्टेज वन है, स्टेज टू है, स्टेज थ्री है, इसमें जो बीच की लाइन दिख रही है ये नॉर्मल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, हमें ऐसे रहना चाहिए हमेशा कांस्टेंट। और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ए बी सी स्ट्रेटजी अपनाइए और स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। टेस्ट कैसे, अवेयरनेस रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए और अपने आप के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो आना चाहिए। अवेयरनेस में क्या आएगा कि व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस, क्या कारण था आपने स्ट्रेस किया, उसके बाद हाउ डू यू रिएक्ट, बैलेंस कैसे करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव जो स्ट्रेस है उसको आप मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, उसे कोप कर सकते हो और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में
तीन तरीके हैं मैनेज करने के। पहला चेंज योर थिंकिंग, दूसरा चेंज योर बिहेवियर, और तीसरा है चेंज योर लाइफस्टाइल। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, और ज्यादा पढ़ने से जो है चीजें, ये आपने स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन मेरे ख्याल से आपने पढ़ा और आपको अच्छा लगा होगा। कुछ स्ट्रेस फ्री होने के तरीके आपको पता चले होंगे, और लाइफ स्टाइल चेंज करिए और थॉट्स चेंज करिए, और हेल्दी फूड और हेल्दी थॉट्स आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। और हेल्दी थॉट्स होंगे तो हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा, और हेल्दी इन्वायरमेंट जब बनेगा तो हेल्दी रिजल्ट्स आएंगे, और हेल्दी रिजल्ट्स आएंगे तो आप हैप्पी रहेंगे हमेशा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और नेक्स्ट टर्न पे हम बिहेवियर के साथ मिलेंगे। ओके एनिमल सर, बिहेवियर के साथ। तो आज के लिए इतना काफी है, नमस्कार। सर सर हाँ, सर सर नोट सर प्रोवाइड करा दीजिएगा सर, पीडीएफ। कपड़े तू लेके आना, हम कंबल लेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई बेटा। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय बाय। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर।